नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा पांचवी के पाठ एक नया सवेरा के कार्य पत्रिका का मूल्यांकन करेंगे। तो बेटा, ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, ये कविता है। तो चैप्टर हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। अब हम इस कार्य पत्रिका के माध्यम से चैप्टर को रिवाइज करते हैं, इसका पुनरावलोकन करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम देखें विलोम शब्द। नया, नया का क्या होगा? उल्टा पुराना। आगे देखिए खुशबू, खुशबू का क्या होगा? बदबू। बद यानी बुरी, बू यानी बू, बदबू यानी बुरी सुगंध या बुरी गंध। खुशबू का मतलब अच्छी, खुश यानी अच्छा करने वाली, बू यानी गंध, और बदबू यानी बुरी गंध। आगे देखिए उजाला, अंधेरा। उजाला का क्या होगा? अंधेरा। आगे देखिए खिलना, मुरझाना। मुरझाना, खिलना का क्या होगा बेटा? मुरझाना। तो ये तो हो गए हमारे विलोम शब्द। अब नंबर टू देखें, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें अगर हमें अशुद्धियां नजर आती है तो हमें शुद्ध करके लिखना है। नंबर क्या देखिए, फुलवारी। फुलवारी शब्द अपने सामने शुद्ध इसमें दिया गया है, तो हमें इसमें कोई भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए सूरज, तो सो में मात्रा अलग लग जाएगी, सूरज बड़े ओ की मात्रा, जोर आ रहा है ना इसको बोलते हैं, तो सूरज ये तो गया सूरज, और इसको बोलते सूरज। आगे देखिए कलियां, कलियां, इससे आगे देखिए अद्भुत, अद्भुत नहीं होता, अद्भुत, अद्भुत। अब इससे नीचे देखिए, नीचे देखें अपने को बनाना है वाक्य। वाक्य से मतलब क्या है कि ये जो शब्द दे रखा है वो हमारे वाक्य के अंदर आना चाहिए। वाक्य बनाइए में पहला देखिए सेहत, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे सुबह उठकर घूमने से सेहत अच्छी होती है। नंबर ख देखिए सूरज, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। नंबर ग देखिए उजाला, सूरज की किरणें हमारे जीवन में उजाला लाती है। उजाला का मतलब क्या होता है? प्रकाश। सूरज की किरणें उगती है तो हमारे जीवन में नया उजाला आता है, नया प्रकाश आता है। तो अब आगे देखिए, तो ये देखिए पर्यायवाची शब्द में अपने पास सबसे पहला है पृथ्वी। पृथ्वी का होगा धरा, भूमि, भूमि, भूमि। आगे देखिए उपवन, बाग। उपवन का मतलब क्या होता है? बाग। और इसको अन्य अर्थ में अपन क्या बोलते हैं? वाटिका, वा टी का, वाटिका। आगे देखिए ग, आकाश, गगन। नभ, गगन, नभ। आया समझ में? तो ये पढ़े हमने पर्यायवाची शब्द। अब आगे देखिए पाठ दो, जरा फिर से बताओ। ये कहानी भी हमने पढ़ी थी, बड़ी ही हास्यप्रद कहानी थी, हमें कहानी समझ में भी आई, हमने कहानी को पढ़ के खूब आनंद भी लिया और सीख भी ली थी कि जोश में अपने होश नहीं खोना चाहिए। अब हम इसकी कार्य पत्रिका का मूल्यांकन करेंगे। बच्चों पाठ एक और पाठ दो
ये हमारे दोनों कॉपी में हो चुके हैं। अब इस कार्य पत्रिका के माध्यम से हम इसको वापस अपने कॉपी में मूल्यांकन के रूप में करेंगे। तो इस वीडियो को आप सुने, समझे, इसमें से देख देख के आप इस कार्य पत्रिका को कॉपी में लिखेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर एक देखिए, विलोम शब्द लिखिए यानी उल्टा। हाथ का उल्टा क्या होगा? पैर। आगे देखिए, मोटा पतला, पतला पतला। आगे देखिए, बूढ़ा जवान, जवान। बूढ़े का उल्टा क्या होगा? जवान। आगे देखिए, खट्टा, खट्टा का क्या होगा? मीठा, खट्टा का मीठा। क्या होगा खट्टा का बेटा? मीठा, ठीक है। अब आगे देखिए, रेत से बनने वाले कुछ यहाँ पर शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप करेक्ट कर लेना कॉपी में। रेत से बनने वाले कुछ शब्द लिखिए। तो नीचे हम लिखते हैं रेत से बनने वाले शब्द, कर्म, कर्म, पर्व, धर्म। आगे देखिए, धर्म। तो ये है रेत से बनने वाले शब्द। अब आगे देखिए, वचन बदलिए। जहां एक वचन है वहां बहुवचन, जहां बहुवचन है वहां एक वचन। बूढ़ा बूढ़े, पूछ पूछे, आगे देखिए, बच्चा बच्चे। नेक्स्ट देखिए, पहेली पहेलियां, पहेली। ली के ऊपर मात्रा छोटी आएगी, क्योंकि यहां लगते ही अगर मात्रा बड़ी होती है की तो वो छोटी बन जाती है, पहेलियां। अब आगे देखिए, संयुक्त अक्षर वाले कुछ शब्द, जहां पर एक शब्द आधा और दूसरा पूरा होता है। स्वस्थ, स्वस्थ, तो से आधा व पूरा, फिर से आधा और थर, स्वस्थ। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय, वी आधा द या लय, तो यहाँ पे द और या, द आधा या पूरा, विद्यालय। नेक्स्ट देखिए, विद्वान, वी द वा ने, विद्वान, तो इसमें से द आधा है वह पूरा है। तो संयुक्त अक्षर में पहला जो वर्ण होता है वो आधा और उसके जस्ट बाद वाला वर्ण पूरा होता है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो इस प्रकार हमारे दोनों कार्य पत्रिका हमने कर ली है। अब आप इसको पढ़ो, इसमें हमें व्याकरण से संबंधित ज्ञान भी हो रहा है, और ये सारे आप पढ़ के इसको कॉपी में आपको फेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद।